नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSC ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम करेंसी नोट फ्रेश नासिक के अप्लाई एंड ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई एंड ऑनलाइन करेंगे। दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करना, जब भी आपको पता चल पाएगा। नोट प्रेस नासिक का अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म कैसे करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक भी कर दिया करो। तो चलते हैं अभी दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। उससे क्या होगा, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी। और जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे आपको। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आप फॉर्म को अप्लाई एंड ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, sarkariexam.com पे आना है। इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डायरेक्ट आप आ जाएंगे sarkariexam.com पे। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जनरल हैं, जनरल ओबीसी डॉलर्स कैंडिडेट है, 600 रुपये फीस है। अगर आप SC ST PH विकलांग है तो 200 रुपये फीस है। फॉर्म आपका 19 तारीख से स्टार्टिंग हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 18 नवंबर रखी गई है। 18 नवंबर तक आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, मतलब कि आपके पास जो है पूरा 1 महीना आपको मिला है फॉर्म अप्लाई करने का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा 1 महीना मिला है आपको। तो फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा शानदार वैकेंसी है दोस्तों, ज़रूर आप अप्लाई कीजिए इस फॉर्म को। अनवेयर इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बात करें इसके एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो मांगी गई है आपसे 18 नवंबर 2023 के हिसाब से आपकी एज इन लिमिट यहाँ से मांगी गई है। 18 साल से मिनिमम है और मैक्सिमम आपकी 30 साल चल जाएगी। बाकी जो 3 साल की आपको जनरल ओबीसी वाले हैं, उन्हें 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी वालों को। और अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको 5 साल की छूट आपको मिलेगी इसमें। 117 पोस्ट आपकी यहाँ पे दोस्तों अलग अलग आपकी दे रखी है, देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन में जब आओगे आप तो यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं। सैलरी भी आपको 27,000 से स्टार्टिंग है, 95,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक है इसमें, बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों। आप जरूर अप्लाई कीजिए और पहले उसके सामने, पोस्ट के सामने आप क्वालिफिकेशन देख लेना, कौन सी क्वालिफिकेशन कौन सी पोस्ट के हिसाब से मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप नीचे आएगा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन, इसके सामने क्लिक कर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से जो नाम है आपका, नाम डालिए, फिर से नाम डालिए, उसके बाद मिडल नेम डालिए, लास्ट नेम आप डालिए, फिर से लास्ट नेम डालिए आप। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, फिर से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, कंप्लीट ईमेल आईडी आपको यहाँ से करनी है जो से भी है आपकी। उसके बाद फिर से आप पूरी ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद ये कैप्चा डालिए और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगले पेज पे ओपन हो चुका है आपका रजिस्टर, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर आपका जो है मैसेज, जो है मैसेज SMS के द्वारा जो है पहुंच गया होगा। अब आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर लगाना है। फोटो आपका 20 KB से 50 KB के होना चाहिए JPG में। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे जो सिग्नेचर का साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टिक कर देना है इन दोनों पे, और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिक डिटेल डालने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। एक बार आप नोटिफिकेशन में जाओगे और यहाँ से चेक कर लोगे, चेक करने बाद जो भी आपको वैकेंसी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, यहाँ से क्या है उसे वैकेंसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जाति सेलेक्ट करनी है, आप जनरल है या OBC है या EWS है, जो भी कैंडिडेट है आप क्या करेंगे उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ से कीजिए, विकलांग का प्रकार आप चुनेंगे यहाँ पे।
नहीं तो आप क्या करेंगे, नो रखेंगे चाहे अगर आप विकलांग नहीं है। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पे आप धर्म चुनेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी है इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा यहाँ पे, अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट है दोस्तों देख लेना, अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट है डू यू बिलोंग द माइनॉरिटी, अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी नो करना है, उसके बाद यहाँ पे भी नो करना है, यहाँ पे भी नो है, यहाँ पे भी नो है। और उसके बाद एक आप यहाँ पे, यहाँ पे पूछा है सेंटर ऑफ द एडमिशन, तो यहाँ पे आप नासिक के लिए फॉर्म को मतलब कि सेंटर देना चाहोगे या मुंबई के लिए, तो मैं मुंबई के लिए नहीं देना चाहता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिल करेंगे 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद जेंडर आपका मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट कीजिए, अगर आपके घर में कोई जुड़वा है इस जो फॉर्म भर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद मैरिड है अनमैरिड है वो सेलेक्ट कीजिए, अगर आप मैरिड करोगे तो यहाँ पे ये जीवन साथी का आपको नाम डालना पड़ेगा, इस वाली कॉलम में नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। उसके बाद आपको पिताजी का नाम डालना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है 10th की मार्कशीट के हिसाब से आप अपने पिताजी का नाम डालिए। उसके बाद मदर का नाम डालिए, जो भी आपकी मम्मी का नाम है 10th की मार्कशीट में। अगर आप मैरिड करते हो तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, नहीं तो ये बंद रहेगा। तो ये देख सकते हो खुल चुका है, अगर मैरिड करूँगा नहीं तो नो रखेंगे। उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन और ये परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पे टिक करके एक सा एड्रेस डाल दीजिए, अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग भी अपना एड्रेस डाल सकते हैं। तो मेरा ये दोनों एक ही एड्रेस है, डेमो के लिए फिलहाल बता रहा हूँ, परमानेंट पे आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं अगर आपका एड्रेस से दोनों सेम है, एक ही एड्रेस है, तो आप टिक कर दीजिए, नहीं तो अलग अलग डाल दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है। तो मेरे पास जो है बीकॉम है, तो मैं बीकॉम यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपको डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ पासिंग है मार्कशीट की पहले की रहती है उसे आप देख लेंगे। उसके बाद आपका परसेंटेज क्या बना था वो डालिए। उसके बाद आपके यहाँ पर फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है वो सेलेक्ट कीजिए आप। उसके बाद आता है आपका ITI फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ITI का डेट कब आपने पास की थी वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद महीना सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपकी परसेंटेज क्या बनी थी वो डालिए, उसके बाद आपका फर्स्ट है या सेकेंड है पास है वो सेलेक्ट कीजिए दोस्तों आप। तो दोस्तों यहाँ पे ITI की डिटेल डाल देगा। उसके बाद आपको जोन सी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है पहले आप देख लीजिए, तो यहाँ पे ITI मांगी गई है तो मैंने यहाँ पे ITI की डिटेल डाल दी है। उसके बाद आता है आपका डिप्लोमा, अगर आपके पास डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएशन है या प्रोफेशनल ग्रुप क्वालिफिकेशन है जो भी है आप उसकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएगा और नीचे आने वाले से अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो डाल दीजिए, नहीं तो नो रखिए। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको आती है वो आप डालिए, बोलना लिखना पढ़ना, वैसे तो एक लैंग्वेज है स्टार लगा हुआ है। अगर आप हिंदी देना चाहते हो तो खाली हिंदी भी दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई और भाषा आती है आप पे तो आप उसकी लैंग्वेज भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी बोलना लिखना पढ़ना, हिंदी इंग्लिश मैंने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अगला पेज ओपन होएगा प्रीव्यू का, एक बार फॉर्म को आपका प्रीव्यू दिख जाएगा। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर बैक जाकर अपना फॉर्म जो है सुधार कर सकते हैं। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप फॉर्म में कोई भी गलती ना पड़े, क्योंकि इसमें सुधार करने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी कनेक्शन की डेट नहीं है, कभी आप बाद में कहो कि सर ये गलती होगी वो गलती होगी, पहले बोल लो फॉर्म को एक बार अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से चेक करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म को अच्छे से फिल कर दिए, उसके बाद ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, ओके कर देंगे, फिर से ओके करेंगे। अब आपके सामने आपका थंब एंड हैंडराइटिंग आपकी आ चुकी है अपलोड करने के लिए,
यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना है, उसके बाद आपको उसकी हैंडराइटिंग देनी है कि ये थंब में रही है, किसी और का थंब नहीं है ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये कैप्चर डालना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको ये कैप्चर जो है यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है, ओके कर देंगे। उसके बाद आपका पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन पर ले आएगा, ये देख सकते हैं। अब पेमेंट आप यहाँ पर कई माध्यम से कर सकते हैं अपना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई, जिससे भी आपको ठीक लगता है उससे आप अपनी जो है पेमेंट कर लीजिए। दोस्तों पेमेंट करना बहुत ही आसान है, अगर आप फ़ोन पे गूगल पे चलाते हैं, अगर आप फ़ोन पे गूगल पे स्कैन करके करना चाहते हैं तो आप यूपीआई को सेलेक्ट कीजिए, अगर आप कार्ड वगैरह से करना चाहते हो तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पेमेंट करने के बाद आपकी जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको फिर से जो है जाना है, और जाने बाद यहाँ पे जाना है और लॉगिन करके अपना जो है प्रिंट आउट आपको यहाँ से ले लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप अपना फॉर्म अप्लाई एंड ऑनलाइन भर सकते हैं दोस्तों। नासिक जो मैंने आपको बता दिया है, नासिक में जो निकाली गई है आपकी पोस्ट, तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों, जो मैंने आपको अप्लाई एंड ऑनलाइन की वीडियो के बारे में बताया नासिक की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत। दोस्तों कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।